जय श्री राम गाइस। तो जैसा कि आप लोग इससे पहले IQ नियो 6 का 90 FPS वाला टेस्ट देख चुके हैं, तो उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट करा था कि HDR एक्सट्रीम चाहिए, और दूसरे वीडियोस पे भी काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि नियो 6 का HDR एक्सट्रीम वीडियो चाहिए। तो इसीलिए आप लोग के लिए ले आते हैं स्नैपड्रैगन, इसमें 870 प्रोसेसर आता है और प्रेजेंट टाइम पर एंड्रॉयड वर्जन है 13। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं गेम। अगर आप लोग को डायरेक्टली BGMI टेस्ट ही देखना हो तो आगे आप लोग टाइम स्टैम्प पर जा सकते हैं, वहाँ से BGMI टेस्ट पर क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ से शुरू कर सकते हैं वीडियो को। तो गेम यहाँ पर 16 से 17 सेकंड में खुल जाता है। अब डायरेक्टली चलते हैं ग्राफिक सेटिंग्स पे। तो स्मूथ पे आप लोग को 90 FPS मिलता है। तो गाइज अभी हम लोग खेलेंगे इसको मॉन्स्टर मोड पे स्मूथ प्लस 90 FPS। पहले टेस्ट करते हैं स्मूथ पे और फिर उसके बाद मैक्सिमम ग्राफिक्स जो कि है HDR एक्सट्रीम पे, फिर उस पर टेस्ट करेंगे। अभी स्मूथ ग्राफिक्स लगे हुए हैं तो परफॉर्मेंस यहाँ पर जंप करते टाइम भी मेरे को कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। मतलब 90 से 89 भी नहीं हुआ, इतना भी FPS ड्रॉप नहीं हुआ, मतलब एक भी FPS ड्रॉप बिल्कुल नहीं, और लैग तो बिल्कुल होता ही नहीं। इतने बंदे आ रहे तब भी कोई लैग नहीं मेरे को देखने को मिल रहा। और गाइस गेम प्ले को जज ना करिएगा, ईयरफोन्स के बिना खेल रहे हैं तो सही से नहीं खेल पाते हैं। ये बस आप लोग को टेस्ट करने के लिए और लैग है कि नहीं है वो बताने के लिए मैं ऐसे ही टेस्ट कर लेता हूँ। बाकी मैं बोट कैम्प की बिल्कुल मेन बिल्डिंग बीच में जंप कर रहा हूँ और यहाँ पर काफ़ी फाइट भी चली, बट फिर भी मेरे को 1% का FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा अभी तक। मतलब कोई और डिवाइस होता तो फिर भी थोड़े बहुत FPS ड्रॉप हो जाते, पर इसमें मेरे को अभी भी 1 FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिला। बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है, जो कॉन्स्टेंट 90 है वो कॉन्स्टेंटली 90 FPS ही चल रहा है, मतलब बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप नहीं देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे HDR एक्सट्रीम पे भी, उस पर भी देखते हैं। तो ये मैच तो ख़त्म हो जाता है, अब स्टार्ट करते हैं HDR एक्सट्रीम पे। यहाँ पर मैंने HDR की सेटिंग लगा ली, ये भी मॉन्स्टर मोड पर ही टेस्ट हो रहा है। अब इसमें देखते हैं जंप करते टाइम और बीच फाइट में कहीं पर लैग देखने को मिलता है फिर नहीं। तो यहाँ पर जंप करते हैं तब भी मेरे को कोई भी FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आराम से कम 4 स्क्वाड 5 स्क्वाड आ रही थी, बट फिर भी मेरे को कोई लैग देखने को तब भी नहीं मिलता। गेम वैसा ही कि स्मूथ है जैसा स्मूथ 90 FPS पे मिल रहा था। मतलब कि इसका जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 870, बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर। ऑप्टिमाइजेशन इसकी इतनी बढ़िया है कि मेरे को अभी भी कोई FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिला। फ़ोन पीछे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हीट हो गया मान के चलते हैं, बट फिर भी हीट होने के बाद भी कोई भी FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा। गेम की इतने अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन की गई है इस डिवाइस के लिए कि बिल्कुल आप लोग को अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप लोग नियो 6 तुरंत के तुरंत खरीद लीजिए। यहाँ पर HDR एक्सट्रीम पर भी मैं जंप करा बूट कैंप मेन बिल्डिंग में, तब भी मेरे को कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। और गाइस एक नोटिस आप लोग के लिए, अभी मैं कुछ टाइम में गिव अवे करने वाला हूँ तो वीडियोज़ में चेक कर लीजिएगा, आप लोग अपडेटेड रहिएगा। जैसे ही BGMI में रॉयल पास अनलॉक हो जाता है मैं उसके 1-2 दिन बाद ही वीडियो का नोटिस ला दूंगा आप लोग के लिए और उसमें गिव अवे आप लोग के लिए जल्द से जल्द कर दूंगा। तो गाइस ये मैच भी ख़त्म हो जाता है बिना लैग के, मेरे को पूरा गेम प्ले अच्छा मिला, मतलब स्मूथ पे 90 FPS भी, उसमें भी स्मूथनेस थी पूरी फुल, और बाकी HDR एक्सट्रीम पे भी बिल्कुल कांस्टेंट 60 FPS था। तो ऐसा था कुछ रिव्यू। जय श्री राम गाइस।